हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कबड्डी के रूल्स के बारे में, उसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में और फंडामेंटल स्किल्स के बारे में। सो इन अवर टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ कबड्डी, कबड्डी के क्या क्या रूल रहते हैं। सो कबड्डी ग्राउंड, सबसे पहले कबड्डी जो प्ले की जाती है वो एक प्लेइंग फील्ड होती है, यानी ग्राउंड होता है। कबड्डी इज प्लेड ऑन अ सॉफ्ट लेवल ग्राउंड, रेक्टेंगुलर इन शेप। कबड्डी कहाँ पे प्ले की जाती है, एक सॉफ्ट लेवल का ग्राउंड होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और एक सॉफ्ट ग्राउंड जो होता है वहाँ पे कबड्डी प्ले की जाती है। द ग्राउंड शुड मेजर 12 मीटर्स बाय 10 मीटर फॉर मेन, सॉरी 13 मीटर्स बाय 10, 13 बाय 10 मीटर का होता है मेन के लिए कबड्डी का ग्राउंड। इन केस ऑफ वीमेन, अगर वीमेन की केस में हम देखें तो इन केस ऑफ वीमेन एंड मैन बिलो 50 kg इट शुड मेजर 12 meters by 8 meters। तो क्या होता है, अगर मैन और वीमेन दोनों का देखा जाए जिनके 50 kg तक वेट रहते हैं, तो जो उनका कोर्ट रहता है यानी कि प्लेइंग ग्राउंड जो रहता है वो 12 by 18 meters का रहता है। ईच ग्राउंड शुड बी डिवाइडेड बाई अ मिडल लाइन इंटू टू हाफ्स, तो हर एक ग्राउंड जो होता है कबड्डी का उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेजॉरिटी सभी गेम्स में ऐसा ही होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो जिसमें दो इक्वल्स हाफ किए जाते हैं। अदर मार्किंग शुड बी मार्क्ड एज अंडर, तो उसके बाद दो पार्ट में उसको डिवाइड करके उसके बाद अनदर जो उसकी मार्किंग होती है ग्राउंड की वो की जाती है। अ स्ट्रिप कॉल्ड लॉबी, आपको पता है सबसे एंडिंग मतलब दोनों जो हाफ की होते हैं दोनों की साइड्स पे लॉबी बनी होती है जिसकी 1 meter विड्थ होती है। ये दोनों कहाँ पे बनी होती है, प्लेइंग फील्ड की दोनों साइड्स पे बनी होती हैं। अ बॉक लाइन शुड बी ड्रॉन थ्रू द एंटायर विड्थ इन ईच हाफ ऑफ द कोर्ट, एक बॉक लाइन बनाई जाती है, ये आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो एंटायर विड्थ होती है उसकी एंटायर विड्थ इन ईच हाफ ऑफ द कोर्ट, तो हाफ ऑफ द जो कोर्ट होता है उसकी ईच जो विड्थ होती है उसमें एक बॉक लाइन बनाई जाती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.75 meters इन केस ऑफ मैन, अगर मैंस के केस में देखा जाए तो इसका जो बॉक लाइन है उसका डिस्टेंस कितना रहता है, 3.75 meters रहता है, और 3.50 meters जो रहता है वो वीमेन के केस में रहता है। द बॉक लाइन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड इन टू द लॉबीज, जो वॉक लाइन होती है वो उनको लिमिटेड रखा जाता है, यानी कि वो क्या करते हैं लॉबी तक जो है उनको एक्सटेंड नहीं किया जाता है। ऑल लाइन मार्क्ड इन द प्लेइंग फील्ड शुड नॉट बी मोर देन 5 centimeters इन विड्थ, तो जो भी वो लाइनें बनाई जाती हैं प्लेइंग फील्ड में उनकी जो विड्थ होती है वो 5 centimeters से ज़्यादा नहीं रखी जाती है। देन आप क्या आते हैं, ये हमने पढ़ा कि कबड्डी का ग्राउंड कैसा होता है, किस तरह से उसकी मार्जिन होते हैं, किस तरह की मार्किंग होती हैं। देन नेक्स्ट आता है रूल ऑफ द प्ले, यानी कि कबड्डी के रूल्स क्या रहते हैं। द साइड विनिंग अ टॉस हैज़ द राइट टू डिसाइड अबाउट द चॉइस ऑफ योर कोर्ट, यानी कि साइड जो रहती है आपकी रेड रहती है वो कौन डिस्कस करता है, जो भी टॉस को विन कर लेता है, जो भी टॉस जीत जाता है उस वो डिसाइड करता है अपनी चॉइस के हिसाब से कि कौन रेड करेगा। इन द सेकेंड हाफ द कोर्ट शुड बी चेंज एंड गेम शुड बी रिज्यूम्ड बाय द साइड दैट हैड नॉट सेंट देयर रेडर फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही गेम का सेकेंड हाफ होता है तो जो कोर्ट है वो उसका चेंज किया जाता है, उसकी साइड्स चेंज की जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जिन्होंने अपना रेडर सेंड किया होता है यानी कि जो अपोजिट टीम को कॉट करने के लिए जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, जो फिर जो सेकंड टीम है उसकी टर्न आती है। देन आफ्टर दैट द गेम शुड बी रिज्यूम्ड विद द सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट वर प्लेड इन द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, तो जो गेम में जो प्लेयर होते हैं वो एज इट इज ही रहते हैं, जितने फर्स्ट हाफ में रहे होते हैं सेम ही वो सेकेंड हाफ में भी उतने ही प्लेयर्स रहते हैं। तो इसका सेकेंड रूल क्या है, अ प्लेयर्स गेट आउट, जब कोई एक प्लेयर आउट हो जाता है इफ़ एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी टचेज द ग्राउंड आउटसाइड द बाउंड्रीज, तो क्या होता है एक प्लेयर तभी आउट होता है जब उसका कोई भी बॉडी का पार्ट ग्राउंड के आउटसाइड की बाउंड्रीज को क्या करता है, टच करता है। हाउएवर ड्यूरिंग अ स्ट्रगल अ प्लेयर इज नॉट आउट इफ एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी टचेज द ग्राउंड और द प्लेयर इन साइड द बाउंड्रीज, लेकिन स्ट्रगल में क्या होता है, जब वो
राइडर होता है ओपोनेंट्स को कॉट करने के लिए आता है, तो क्या होता है अगर उस समय उसका कोई भी बॉडी पार्ट टच करता है ग्राउंड को या प्ले इनसाइड द प्लेइंग फील्ड को या किसी प्लेयर को, तो इसमें क्या होता है वो तब भी वो आउट ही डिक्लेयर होता है। सॉरी, फिर वो आउट डिक्लेयर नहीं होता है। देन थर्ड रूल है इसका, अ प्लेयर इज डिक्लेयर आउट, एक प्लेयर को आउट तभी डिक्लेयर किया जाता है इफ़ ही गोज आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड ड्यूरिंग प्ले। एक प्लेयर को तभी डिक्लेयर किया जाएगा कि वो आउट हो गया है जब वो क्या करेगा, अपनी प्लेइंग फील्ड के बाहर जाएगा। द प्ले फील्ड इंक्लूड्स द लॉबीज व्हेन स्ट्रगल बिगिंस, जब स्ट्रगल, ये सारे टर्म्स मैंने आपको कल डेफिनेशंस में क्लियर की थी। तो जब क्या होता है, जब स्ट्रगल बिगिन होती है तो वो कहाँ पे होती है, प्लेइंग फील्ड के अंदर ही होती है जिसमें लॉबीज इंक्लूड होती हैं। द प्लेयर हु एंटर अ लॉबी ड्यूरिंग अ स्ट्रगल कैन एंटर देयर रिस्पेक्टिव कोर्ट्स बाई यूजिंग द लॉबीज आफ्टर द स्ट्रगल। वैन जब क्या होता है, एक प्लेयर एंटर करता है लॉबी में ड्यूरिंग द स्ट्रगल, स्ट्रगल के टाइम पे जब वो लॉबी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट में रह के ही वो एंटर करता है और वो लॉबीज को क्या करता है, यूज़ करता है स्ट्रगल के बाद। देन फिफ्थ रूल है इसका, द वर्ड कबड्डी शुड बी यूज फॉर कैंट। तो आपको पता है कबड्डी के रूल्स में ये रहता है कि अगर कोई प्लेयर करता है, प्लेइंग फील्ड में आ रहा है, प्ले कर रहा है, उसको क्या करना है, एक जो वर्ड है कबड्डी उसको यूजुअली क्या करना है, रिपीट करना है विद इन वन वीक में। अ रेडर शुड स्टार्ट द कैंट बिफोर ही टचेज द अपोनेंट कोर्ट। एक रेडर क्या करता है, अपना जो है क्या करता है, वो कब गेम्स को कब स्टार्ट करता है, पहले तो उसको क्या कहता है, अपोनेंट के कोर्ट को टच करके जाता है, यानी कि जैसे ही वो गेम स्टार्ट करता है जो बाउंड्री लाइन बनी होती है उसको पहले वो टच करता है, देन एंटर करता है नेक्स्ट की नेक्स्ट साइड पे। देन उसके बाद इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट है हम वही डिस्कस करेंगे, लाइक देन सेवन्थ पॉइंट है, वेन अ रेड इज ओवर और अ राइडर is out in the opponent's court, the opponent should send their rider within 5 seconds. जब एक raid over हो जाती है, यानी कि जो raider है वो opponent के court में जाता है और किसी को out करता है, तो उसके बाद क्या करना होता है, जो opponent होता है वो अपने जो दूसरे raider है उसको within 5 seconds क्या कर देता है, send कर देता है। Then उसके बाद next point है आपका 11th point, a raider or anti should not push an opponent out of boundary इंटेंट, हाँ इंटेंशनली। तो क्या होता है, जो एक राइडर है या फिर एंटी प्लेयर है वो क्या करता है, एक अपने जो अपोनेंट है उसको पुश करके बाउंड्री से बाहर नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ रेडर और एन एंटी शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी अदर देन हिज लिम्स एंड ट्रंक। और जो रेडर है वो या फिर एंटी है वो क्या करता है, should not help by any part of, वो अपनी किसी भी अदर बॉडी पार्ट को इंक्लूड नहीं कर सकता है, बस उसके जो लिम्स हैं या फिर उसका ट्रंक है वो सिर्फ उसी को, यानी कि आपकी उनकी लेग्स जो आर्म्स हैं और उसका ट्रंक पोर्शन है वो उसी के साथ वो उसको कर सकते हैं। द नेक्स्ट रूल है, प्लेयर शुड बी रिवाइव्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे वर पुल आउट। तो प्लेयर जो हैं वो उसी तरह से रिवाइव होंगे सेम ऑर्डर में जिस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया होता है, यानी कि आउट किया गया होता है। देन लास्ट पॉइंट है इसका, व्हेन अ टीम पुट्स आउट ऑल द अपोनेंट्स इट स्कोर अलोन। तो क्या होता है, जब एक टीम के सारे जो अपोनेंट्स हैं वो आउट हो जाते हैं तो एक स्कोर बनता है जिसको हम लोना कहते हैं, एंड टू एडिशनल पॉइंट शुड बी अवार्डेड टू द टीम। तो उस समय क्या होता है, जो अवार्ड टीम होती है उसको दो एडिशनल पॉइंट जो हैं वो दिए जाते हैं। देन ये थे आपके रूल कबड्डी के। देन इसके बाद आता है रूल ऑफ मैचेस। तो पहले हमने प्ले के रूल पढ़े, लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि मैच के रूल क्या रहते हैं। अ कबड्डी टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स आउट ऑफ विच 7 फॉर्म अ प्लेइंग फील्ड एंड द रिमेनिंग 5 सर्व एज रिजर्व्स। तो एक कबड्डी की जो टीम होती है उसमें 12 प्लेयर्स रहते हैं, यानी कि 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से जो 7 प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं और प्ले करते हैं। देन उसके बाद जो रिमेनिंग 5 होते हैं उनको रिजर्व रखा जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ अ मैच शुड बी 2 halves ऑफ 20 minutes फॉर ईच मैन एंड 15 minutes ईच फॉर वीमेन एंड मैन बिलो 50 kg वेट।
तो क्या होता है इसमें जो मैच होती है, ड्यूरेशन रहती है यानी कि टाइमिंग जो रहती है वो मैच की, वो कितने मिनट की रहती है? 20-20 मिनट की रहती है। अगर मेंस के लिए देखा जाए तो ये 20 मिनट की रहती है ए फॉर ईच मैन एंड 15 मिनट्स ईच फॉर विमेन एंड मैन। तो जो 15 मिनट्स की टाइमिंग है वो मैन और विमेन की रहती है जो क्या होते हैं बिलो 50 kg जिनका वेट होता है। द इंटरवल फॉर रेस्ट बिटवीन टू हाफ शुड बी 5 मिनट्स। तो क्या होता है जैसे कि गेम में दो इंटरवल होते हैं, एक फर्स्ट हाफ होता है देन उसके बाद रिमेनिंग सेकेंड होता है। फर्स्ट हाफ के बाद जो है उनको इंटरवल दिया जाता है यानी कि एक छोटी सी ब्रेक दी जाती है जो कितने टाइम की रहती है, जो 5 मिनट की रहती है। द साइड दैट स्कोर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स एट एंड विल विन द मैच। तो जो साइड ज़्यादा स्कोर करेगी, जिसके स्कोर ज़्यादा होंगे हाईएस्ट नंबर में होंगे, वो क्या करेगी एट द एंड में वो मैच को जीत जाएगी। इन केस ऑफ अ टाइड स्कोर एट द एंड ऑफ द टू हाफ्स, अगर क्या होता है जब दोनों हाफ के एंड हो जाता है यानी कि गेम का एंड हो जाता है तो उसमें टाई अप हो जाता है, तो फिर उनको क्या किया जाता है दो एक्स्ट्रा पीरियड जो होते हैं 5-5 मिनट ड्यूरेशन के वो दिए जाते हैं, जिनमें वो क्या करते हैं 5-5 मिनट वो फिर से प्ले करते हैं इमिडिएटली विद द सेम नंबर ऑफ प्लेयर। सेम जब वो दोबारा टाई अप हो जाता है तो फिर दोबारा गेम प्ले करते हैं, तो उसको 5-5 मिनट की ड्यूरेशन रहती है, लेकिन जो उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाँ जो विद द सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द कोर्ट, कोर्ट में जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स रहते हैं वो उतने ही रहते हैं सेकेंड हाफ में। इफ़ द टाई इज स्टिल नॉट ब्रोकन देन द टीम दैट स्कोर द फर्स्ट लीडिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ द टू एक्स्ट्रा हाफ विंस द मैच। अगर क्या होता है टाई अप होने के बाद अगर जो 5-5 मिनट का मैच किया जाता है उसमें भी उनका टाई नहीं टूटता है, तो उसके बाद किया जाता है जो स्कोर होते हैं फर्स्ट लीडिंग टीम के जो एंड के सेकेंड हाफ के एंड तक होते हैं, तो वो क्या करती है वो वाली टीम जो होती है वो मैच को जीत जाती है। देन नेक्स्ट रूल है मैच का, द टॉस शुड डिसाइडेड अबाउट द चॉइस ऑफ रेड और कोर्ट बाय अ टीम। तो जो रेड होती है वो कौन डिसाइड करता है, जो भी टीम टॉस को विन करती है। वन पॉइंट इज अवॉर्डेड टू द टीम फॉर एवरी अपोनेंट पुट आउट। तो क्या होता है इसमें जब भी आप अपनी अपोजिट टीम यानी कि अपोनेंट टीम के प्लेयर को आउट करते हो या टच करते हो तो इससे आपको एक एक पॉइंट मिलता है। अ टीम दैट पुल्स आउट द होल टीम स्कोर्स 2 पॉइंट एक्स्ट्रा फॉर लोना। तो एक टीम जब क्या करती है सारी टीम को आउट कर देती है तो उनको दो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं उनको, जिनको हम लोना कहते हैं, उनको दिए जाते हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द परमिशन ऑफ अ रेफरी। तो मैक्सिमम जो 3 प्लेयर होते हैं सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, अगर क्या करता है रेफरी की परमिशन होती है तब। अ सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। और जो एक सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर होता है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अ टीम में स्टार्ट अ मैच विद वन और टू प्लेयर्स लेस इन द टीम। तो एक जो टीम है वो कब अपना मैच स्टार्ट कर सकती है, चाहे उनकी टीम में एक या दो प्लेयर कम भी हो तब भी वो स्टार्ट कर सकती है, बट व्हेन ऑल द प्लेयर्स ऑफ द साइड्स आर आउट। लेकिन तब क्या होना चाहिए, जब सारे प्लेयर्स जो हैं साइड के वो आउट हो गए होंगे तभी आप एक या दो वहाँ पे अलाउ हो सकते हैं आपको। देन आफ्टर दैट तो कुछ इम्पोर्टेंट जो टूर्नामेंट्स रहती हैं कबड्डी की, द नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप रहती है, गोल्ड कप रहता है बॉम्बे का, इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी टूर्नामेंट रहती है, ऑल इंडिया स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट जो रहती है। तो इस तरह से कबड्डी के जो रूल्स रहे हैं वो आप ये रहे हैं रूल्स ऑफ, सब पहले हमने कबड्डी के पढ़ा देन प्ले के पढ़ा देन मैचेस के क्या रूल्स रहते हैं ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो जो फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप थी कबड्डी की वो हुई थी 1951 में जो कि महाराष्ट्र में हुई थी। देन उसके बाद गोल्ड कप बॉम्बे जो है उसकी टूर्नामेंट हेल्ड हुई थी मुंबई में। वो ये जो गोल्ड कप टूर्नामेंट है वो एवरी ईयर होती है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन। इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी टूर्नामेंट जो रहती है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है इंडियन यूनिवर्सिटी, जो स्पोर्ट्स बोर्ड होती है वो डिसाइड करती है। ये कब से चली आ रही है, 1961 से। ऑल इंडिया स्कूल्स कबड्डी टूर्नामेंट
इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल गेम फेडरेशन. इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कब किया था? 1962 में फॉर बॉयज के लिए, और 1976 में ये गर्ल्स के लिए इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था. सो इस तरह से सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे. इसी के साथ आपकी ये जो कबड्डी गेम है वो कंप्लीट होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.